स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। 10 मिनट के फैक्ट वीडियो में आपका स्वागत है। ये भारत आप देख रहे हैं, हिमालयी क्षेत्र देख रहे हैं। देखिए ये जो नदी है ये सिंधु नदी है और दूसरी वाली जो दिख रही है वो सतलज नदी है। तो सिंधु और सतलज के बीच में जो लंबाई में फैला हुआ हिमालय है उसको किस हिमालय के नाम से जानते हैं? तो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। 560 किलोमीटर की लंबाई में यह फैला हुआ है। दूसरा जो हिमालय है सतलज नदी, आप देख रहे हैं नीचे ये जो नदी है ये काली नदी है, काली नदी है, ठीक है। सतलज और काली नदी के बीच जो हिमालय फैला हुआ है, खासकर उत्तराखंड वाला जो हिमालय है वो फैला है, उसको कहते हैं कुमायूं हिमालय। क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। ये फैक्ट के तांडव वाला वीडियो है तो बड़े ध्यान से देखिएगा, महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद जो अगली नदी दिख रही है ये नदी आपकी है तिस्ता नदी। तो काली और तिस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय फैला हुआ है? तो नेपाल हिमालय फैला हुआ है। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय फैला हुआ है और सबसे अधिक लंबा यही है, 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। उसके बाद एक नदी आप देखेंगे दिहांग नदी, ठीक है। दिहांग नदी, कौन सी? दिहांग, दिहांग नदी। और जो नेपाल हिमालय के अंतिम भाग यानी तीस्ता और दिहांग के बीच में जो फैला हुआ है इसको बोलते हैं आसाम हिमालय, आसाम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो पंजाब हिमालय जो आप देख रहे हैं इसकी जो लंबाई है कितनी है? 560 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। दूसरा आप देख रहे हैं कुमायूं हिमालय, सबसे कम लंबाई में 320 किलोमीटर में। नेपाल आपने देख लिया कि 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। आसाम हिमालय 750 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। बहरहाल ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिस्सा है वो पंजाब हिमालय है, सतलज काली के बीच कुमायूं है, काली तिस्ता के बीच नेपाल है, उसके बाद तिस्ता और दिहांग के बीच आसाम हिमालय फैला हुआ है। आगे आपको ले चलते हैं प्रमुख चोटियों को, दक्षिण से पूर्व क्रम की ओर आपको क्रम दिखाते हैं, उसके बाद भारत की सर्वोच्च चोटियों की बात करेंगे। सबसे पहले भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो है गॉडविन ऑस्टिन यानी K2, 8611 मीटर ऊंचाई है यहां पे है। उसके थोड़ा सा पूरब में आप बढ़ेंगे तो आपको ये ब्राड पीक दिख जाएगी। ब्राड पीक के पश्चिम में आप देखेंगे तो विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी आपको दिखेगी, 7788 मीटर जिसकी ऊंचाई है। राकापोसी के दक्षिण में देखेंगे तो आपको नंगा पर्वत मिलेगा, 8126 मीटर की ऊंचाई है नंगा पर्वत की। उसके बाद देखिए यहां से लेकर यहां तक आपको पश्चिम से पूर्व क्रम लगाना होता है। तो क्रम आपको कहां से लगाना, देखिए यहां पे आपको तीन चोटियां दिख रही है, एक बंदर पूछ ये आपकी दिख रही है, उसके बगल बद्रीनाथ दिख रही है, उसके बगल आपको कामेत दिख रही है। तो ये तीन आप याद रखिएगा। अब पश्चिम से पूर्व क्रम लगाते हैं, कहां से? पश्चिम से पूर्व लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए नंदा देवी दिख रही है, सबसे पहले नंदा देवी है, 7816 मीटर की ऊंचाई पे है। उसके पूर्व में धौलागिरी है, धौलागिरी 8172 मीटर की ऊंचाई पे धौलागिरी है। ये क्रम ध्यान रखिएगा, पहला होगा नंदा देवी का पश्चिम में सबसे, उसके बाद उसके पूर्व में जो आएगी वो धौलागिरी आएगी। ये क्रम जरूर याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप देख रहे हैं अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा लगा लीजिएगा, अन्नपूर्णा हो जाएगी। उसके बाद माउंट एवरेस्ट आपका आ जा रहा है, 8848 मीटर, कौन सा? एवरेस्ट। उसके बाद जो आएगी वो आएगी आप देख रहे हैं यहां पे, कौन सा है? मकालू। उसके बाद मकालू आ जाएगी, मकालू के पूरब में कौन सी है? तो मकालू के पूरब में आप देख रहे हैं कंचनजंगा, कंचनजंगा के पूर्व में आप देखेंगे तो नामचा बरवा बारवा। देखिए इसमें ये पश्चिम से पूरब क्रम है, कभी कभी पूरब से पश्चिम आपको पूछेगा तब आपको नामचा बरवा, अगर पूरब से पश्चिम पूछेगा तो नामचा बरवा से शुरू कीजिएगा, पश्चिम से पूरब पूछे तब नंदा देवी शुरू करना है। पश्चिम से नंदा देवी है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा, और पूरब में शुरू होगा तो नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, ठीक। कभी कभी उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ लेता है, उसमें आपसे एक एक करके पूछेगा, जैसे आप देख रहे हैं K2 है, उसके बाद साल्ट कांगड़ो है, उसके बाद बंदर पूछ है, उसके बाद नीचे कोई एक आध धूप उपगढ़ दे देगा, या पूरे भारत में करके आपसे पूछ लेगा उत्तर से दक्षिण, तो ये क्रम याद रखिएगा। चलिए आगे आपको एक चीज दिखाते हैं महत्वपूर्ण। अब आइए यहां पर देखिए, सबसे ऊंची चोटी ये उत्तराखंड आपको दिख रहा है,
इसकी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है 7,817 मीटर, और राजस्थान की या आरावली पहाड़ियों की आप कह सकते हैं सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर। तो राजस्थान की भी सर्वोच्च चोटी है और आरावली पहाड़ियों की भी सर्वोच्च चोटी है। गुजरात आप देख रहे हैं, गुजरात की सर्वोच्च चोटी है गोरखनाथ 1117 मीटर ऊंचाई इसकी है। महाराष्ट्र की दो चोटियां आप देख रहे हैं, एक कल सुबह ही देख रहे हैं, दूसरी महाबलेश्वर। ये कल सुबह ही है, ये महाबलेश्वर है। महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो आप कल सुबह ही बताएंगे 1664 मीटर है, जबकि महाबलेश्वर 1439 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद आप देख रहे हैं कौन सा है, कर्नाटक का ये है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी 1608 कर्नाटक का सर्वोच्च शिखर है। दूसरा भी आप देख रहे हैं कहां पे, कर्नाटक में कुंद्रेमुख है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर देखिए पूछा जाएगा दो तीन तरह से, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर पूछा जाएगा तो दोदा बेटा 2637 मीटर आप बताएंगे, नीलगिरी का है ये ध्यान रखिएगा, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर। अगर पूछे दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर या पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर, तब बताएंगे आप अनाईमुड़ी नीचे वाली कितनी है, 2695 मीटर ऊंची है, 2695। ऐसे ही आप आगे बढ़िए, पूछेगा पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो देवरी मुंडा है 1598 मीटर। इसको कहीं कहीं महेंद्रगिरी नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत में भी एक महेंद्रगिरी चोटी है, इसलिए यहाँ पे देवरी मुंडा ही लिखिएगा। पश्चिम बंगाल की सर्वोच्च चोटी टाइगर हिल्स है। पश्चिम बंगाल की कौन सी सर्वोच्च चोटी है, टाइगर हिल्स है। ऐसे यहां पे आप जब देखेंगे तो सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी आपसे पूछा जाएगा जो एमपी में स्थित है, नाम है धूपगढ़, 1350 मीटर है। धूपगढ़ जो है सतपुड़ा की सर्वोच्च शिखर है। तो आपसे अमरकंटक यहां पे आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में 1048 मीटर। आगे जाएंगे तो मिजोरम का सर्वोच्च शिखर ब्लू माउंटेन है 1157 मीटर है। उसके बाद आपसे पूछेगा नागालैंड का सर्वोच्च शिखर तो सरामती 3841 मीटर ऊंचाई पे है। कांगटो अरुणाचल प्रदेश का सर्वोच्च शिखर है, कांगटो अरुणाचल प्रदेश का सर्वोच्च शिखर है, कितना है 7090 मीटर। उसके बाद आप देख रहे हैं मेघालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, नोकरेक है 1416 मीटर। एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं जल्दी जल्दी, उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर आपसे पूछेगा तो नंदा देवी हो जाएगा, आपसे पूछेगा राजस्थान का सर्वोच्च शिखर या आरावली का, तब आप लगाएंगे गुरु शिखर, आपसे पूछेगा गुजरात का सर्वोच्च शिखर तब आप लगाएंगे गोरखनाथ, महाराष्ट्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, कल सुबह ही है ठीक। ऐसे कर्नाटक का सर्वोच्च शिखर ब्रह्मगिरी है, ऐसे ही आप देखेंगे दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर पूछेगा तब आप दोदा बेटा लगाएंगे, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर देवरी मुंडा है, पश्चिमी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो अनाईमुड़ी है, पश्चिम बंगाल का सर्वोच्च शिखर टाइगर हिल्स है कितना 2590, मिजोरम का सर्वोच्च शिखर ब्लू माउंटेन है ध्यान रखिएगा, ऐसे ही नागालैंड का सरामती है 3841 मीटर, अरुणाचल प्रदेश का सर्वोच्च शिखर कांगटो है, जबकि मेघालय का नोकरेक है कितनी ऊंचाई पे है 1416 मीटर पे, और उत्तराखंड आपने नंदा देवी देख ही लिया है। तो ये 10 मिनट की फैक्ट वीडियो रही, अगला वीडियो जल्दी ही, धन्यवाद, बाय बाय।